हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 42 टाइम्स डिविडेंड दिया है, 4 टाइम बोनस दिया है, 1 टाइम उसका स्टॉक स्प्लिट हुआ है, ओके। और एफएमसीजी का ऐसा दिग्गज शेयर है कि आपके अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो कल ही जाके अपने पोर्टफोलियो में उसे वॉच लिस्ट में रखो या अपने पोर्टफोलियो में रखो, बट वो शेयर होना जरूरी है। ऐसा शेयर है कि मार्केट मॉर्निंग में जब आप उठते हो तब यूज़ करते हो और उसके अलावा रात को जब सोते हो तब तक आप उस प्रोडक्ट को उन उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते रहते हो। तो ऐसा दिग्गज शेयर है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, चाहे ये चाइना इंडिया की जो टेंशन हो रही है, मार्केट कल की डेट में गिर जाए, ओके, तो आपको शेयर को और खरीदना है। उसके रिटर्न इतने बेहतरीन हैं, ओके, आपको पता ही है एफएमसीजी का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है तो आप जाके देख लीजिएगा कि आप खाना नहीं छोड़ेंगे, आप पीना नहीं छोड़ेंगे, आप नहाना नहीं छोड़ेंगे, ओके, चाहे कल कंट्री अपने वॉर वॉर की स्थिति में आ जाए, बट आप लोग वो चीज़ करेंगे ही, खाना भी खाएंगे, ओके, इसके अलावा आप नहाएंगे भी, ओके, ब्रश भी करेंगे। तो ये कंपनी ऐसी कंपनी है कि हर तरीके के ये एफएमसीजी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, और ये प्रोडक्ट आपके वॉच लिस्ट में और शेयर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कल की डेट में ही उसे रखिए। तो इस वीडियो पे चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि आपको बेहतरीन वीडियो मिल सके। तो आइए हम पहले इसके रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो बताना चाहता हूँ, 1 डे 1 वीक 1 मंथ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑलवेज हम जो बातें करते हैं लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं, हम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल की बातें करते हैं। तो आप देखिए, 1 डे 1 वीक 1 मंथ में आपको लॉस हो रहा है, 6 मंथ में भी लॉस दिखाई दे रहा है, बट 1 ईयर में 13%, 2 ईयर में 20, 3 ईयर में 76, 4 ईयर में 132, 5 ईयर में 157, बट 10 ईयर में, 10 ईयर में देखिए 695.91, लगभग 700% के इस कंपनी ने रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दिए। 700% के रिटर्न कोई मामूली रिटर्न नहीं होते, और हर साल 2 बार डिविडेंड देती है, वो अलग से आपके आपके कैश आपके बैंक में ऐड हो जाता है। तो वो देखिए, काफ़ी बेहतरीन ये शेयर है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की हिस्सेदारी 61.90 है, फॉरेन इन्वेस्टर 14.81, म्यूचुअल फंड 4.37, इंश्योरेंस 3.36, DIS 0.61 और नॉन इंस्टीट्यूशन 14.95। आपको बताना चाहता हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और DIS सब ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, ओके, सब ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है जून में। बट रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम जैसे इन्वेस्टर, जो आप है, मैं हूँ, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, आते हैं छोटे पैनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, डूब जाता है, चले जाते हैं, ओके, मार्केट छोड़ देते हैं। बट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, DIS, वो बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं, बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म का वेट करते हैं, और कैसे रिटर्न मिलते हैं उन्हें, उन्हें मिलते हैं 700% के रिटर्न, उन्हें मिलते हैं 1000% के रिटर्न, प्लस में उन्हें डिविडेंड मिलता है, वो अलग। तो आप छोटी कंपनी को छोड़िए, ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए जो बड़ी कंपनी है। आपने हमेशा सुना होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कछुए और खरगोश की कहानी आपने हमेशा सुनी है, बचपन से हम सुनते आए हैं। तो कछुए बने रहना ही इस बिजनेस में अच्छा है, ओके। आप रेस लगाने की कोशिश करोगे, ओके, तो हाथ पैर टूट जाएंगे और फिर चुपचाप घर पर बैठ जाओगे। और हाथ पैर टूटने का मतलब सिंपल सी बात है कि मार्केट में पैसा डुबो दोगे और फिर चुपचाप घर पर बैठ जाओगे और फिर कहोगे हमें लॉस हो गया, शेयर मार्केट बेकार है। तो इसलिए अच्छी कंपनी में पैसा लगाओगे, हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में लगाइए, पैसा पैसा डेफिनेटली बनेगा। तो ऐसी ही स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनीज की हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आपके सामने है 1 डे 2146 रुपये का शेयर मिल रहा है, क्यों नहीं आप खरीदते? आप क्यों ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं कि पैसा डूब जाए? 2600 रुपये तक ये लगभग शेयर गया था, आप अगर हम देखना चाहें देखेंगे 6 मंथ में, और यहाँ पर जब गिरावट हुई थी तो 1700 रुपये पे ये शेयर मिलता था, लगभग 1700 रुपये में ये शेयर मिलता था, ओके। और अभी क्या परफॉर्मेंस है, ज़्यादा शेयर गिरा भी नहीं, पैंडामिक कितना ही बड़ा आ जाए, सब शेयर आधे हो गए थे, बट ये शेयर आधा नहीं हुआ, केवल कितना कितना ये शेयर गिरा था, लगभग 20% लगा दीजिए, 20% गिरा था,
पर 20% गिरने के बाद क्या रिटर्न दिए थे इसने, अगर आप देखना चाहेंगे तो लगभग 30% 35% के रिटर्न दिए 2-3 महीने में। तो ऐसी कंपनी में शेयर लगाइए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लिया, क्या बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, हमेशा ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जाता है। क्यों जा रहा है? क्योंकि FMCG का शेयर है और इसका प्रोडक्ट हर घर में मिलेगा, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक लगभग 5 to 10 प्रोडक्ट्स आप इसके यूज़ करते हैं। तो आइए प्रोडक्ट की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए HUL इज अ मार्केट लीडर इन इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट विद प्रेजेंस इन ओवर 20 कंज्यूमर कैटेगरी सच एज सोप, टी, डिटर्जेंट एंड शैम्पू एमंग अदर, विद ओवर 700 मिलियन इंडियन कंज्यूमर यूज इट्स प्रोडक्ट्स। ओके, तो लगभग 700 मिलियन इंडियंस इंडियन कंज्यूमर्स है इसके, जो कि सेवन इसका मतलब 70 करोड़ लोग लगभग लगभग इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ओके, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट है। अन्नपूर्ण आटा, ब्रुकबॉर्न टी, ताजमहल टी, रेड लेबल टी, किसान कैचअप, किसान जैम, लिप्टन टी, नॉर का सूप, मैग्नम आइसक्रीम, हॉर्लिक्स, ओके, व्हील, कंफर्ट, डोमैक्स, रिन, ओके, सारी चीज़ों में तो ये काम करती है। लाइफ बॉय, डव, ओके, सनसिल्क, वैसलीन, ओके, सारी कंपनी में, बैरल क्रीम, सारी कंपनी में काम करती है। तो आप ऐसी कंपनी में, ऐसे सारे प्रोडक्ट में काम करती है, तो जाके इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए। मॉर्निंग से लेकर सर्फ एक्सेल, देखो कपड़े धोते हो तो सर्फ एक्सेल, नहाते हो तो लक्स चाहिए आपको, डव चाहिए, ओके, शैम्पू चाहिए, शैम्पू भी सनसिल्क चाहिए, ओके, वैसलीन चाहिए, क्लिनिक प्लस चाहिए, ओके, इसके अलावा चाय पीनी है तो ताज़ा ताजमहल टी, ताज़ा रेड लेबल टी, कॉफ़ी, आइसक्रीम, नॉर का सूप, आइसक्रीम, सब तो आपकी यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंपनी में पैसा क्यों नहीं लगाते? आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए सेक्टर का PE रेशो इसका 39.46 है और इसका है 73.99। जो भी कंपनी, अच्छी कंपनी, बेहतरीन कंपनी, बड़ी कंपनी होगी, उसका लार्ज कैप कंपनी होगी, तो उनका PE रेशो हमेशा ही ज़्यादा रहेगा, तो इसका रेशो PE रेशो ज़्यादा है। 19 मार्च को 1757 में शेयर मिल रहा था और हाईएस्ट क्या है 2614 रुपये 8 अप्रैल को। तो इसका 50% डिलीवरीज उठाई गई है, आज की डेट में 50% की डिलीवरीज इस कंपनी में उठाई गई है। तो देखिए कितना बेहतरीन शेयर है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, डिविडेंड देख लीजिए, डिविडेंड की मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा प्लेच की बात कर लेते हैं, तो कोई सी भी किसी भी तरीके का कर्ज नहीं है। ओके, एक बार इसके बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। देखिए रिजर्व्स देख लीजिए, 6000 करोड़ के रिजर्व्स, लगभग 6300 करोड़ के रिजर्व्स, फिर लगभग 68 करोड़ के रिजर्व्स, फिर 7500 करोड़ के लगभग रिजर्व्स, और अभी 7815 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स, मतलब रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, डेट, इस कंपनी के पास किसी भी तरीके का सिक्योर अनसिक्योर लोन नहीं है, किसी भी तरीके का कर्ज नहीं है। तो ये एक कंपनी की अच्छी बात होती है। कोई भी कंपनी चाहती है कि हम अपने आप को कर्ज मुक्त करें, ताकि लोग आके उस कंपनी में पैसे लगाए, जैसे कि अभी रिलायंस ने किया था, अपने आप को डेट फ्री कर लिया। अभी 5-10 दिन पहले टाटा मोटर्स ने कहा था कि हम अपने आप को अगले 3 साल में डेट फ्री कर देंगे, अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ही उसने कहा कि हम डेट फ्री कर लेंगे, लोगों ने पैसे लगाना शुरू किया। तो जो ऑलरेडी डेट फ्री है, फिर उधर पैसा क्यों नहीं लगाया जाए? तो देखिए डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, और कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर ली जाए तो देखिए पहले 27000 करोड़ के रिजर्व्स थे, फिर सॉरी 2700 करोड़ के रिजर्व्स थे, फिर 1671 करोड़ के रिजर्व्स, फिर 3300 करोड़ के रिजर्व्स, फिर लगभग 3700 करोड़ के रिजर्व्स, और अभी लगभग 5017 करोड़ रुपीज़ के इसके पास रिजर्व्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, सॉरी। तो कैश एंड बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहा है, ओके, रिजर्व्स भी आप देख चुके हैं, लगभग 7400 करोड़ रुपये के रिजर्व्स है इस बैंक के पास, और इसके इस कंपनी के पास 7800 करोड़ रुपये के रिजर्व्स, और डेट फ्री कंपनी है। तो इसकी तरफ आप ध्यान बना के रखिए, काफ़ी अच्छी, फाइव में से फाइव इसको मैं देता हूँ कि इस कंपनी का 5 में से 5, और 5 out of 5 इसका बैलेंस शीट है। स्प्लिट, एक बार स्प्लिट हुआ है 2000 में, ओके, बोनस 4 बार बोनस दिया है, 1979, 83, 87, 91, ओके, तो देखिए, ओके, आप और मैं पैदा भी नहीं होंगे तब से ये कंपनी है, और ये कंपनी तब से बोनस देती आई है। इसके अलावा डिविडेंड की बात कर लेते हैं, तो देखिए क्या डिविडेंड है, ये सारा डिविडेंड है जो मैं आपको नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। तो 2001 से जो डिविडेंड देना शुरू किया इसने,
200%, 250%, 250%, 250%, इस तरह हर साल 2 या 3 बार इसने डिविडेंड दिया ही दिया है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप इसे यूज़ करते हैं, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ऑलवेज इस कंपनी पे लागू होता है। जिसने एक एक दिन या 2 दिन या 1 वीक या 1 महीना देखा है, उसे जाने दीजिए, बट हमारा विजन हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है, 5 साल 10 साल, तो देख लीजिए क्या रिटर्न्स है, आने वाले टाइम में भी रिटर्न्स बनेंगे, और चाहे कितना भी बड़ा क्रैश हो, तो ये कंपनी कभी घाटे में नहीं जा सकती, चाहे सारे शेयर बर्बाद हो जाएंगे बट ये कंपनी बर्बाद नहीं होगी, इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ, क्योंकि आप इसका प्रोडक्ट मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक 70,000 करोड़ लोग केवल भारत में ही इसका यूज़ करते हैं। तो क्यों ये कंपनी बर्बाद होगी, क्यों नहीं इस कंपनी में पैसे लगाए कि हाँ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक लोग केवल इसी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो बताना चाहता हूँ, इस HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, जब भी शेयर आपको कम दाम में मिल जाए, जब भी गिरते हुए मिल जाए, तभी आप इसे लपक लीजिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको इसे बताने के लिए पैसे लेगा कि हाँ कौन सी कंपनी है, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ कि ये कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, आपको कभी घाटा हो ही नहीं सकता। 1 महीने, 1 वीक और 1 6 महीने और 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो ये कभी घाटा नहीं हो सकता। तो अगर आपको मेरा एफर्ट, आपको मेरा फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा लगा हो हमारे इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, शेयर करिए अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने अपनी रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस तरीके से शेयर से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे, और अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके वो भी फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।